हेलो नमस्कार, सुकोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड फैक्ट्स अबाउट यूनियन बजट। तो केंद्रीय बजट जो है उसके हिस्ट्री और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुकोपीडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट बजट कब आया था वो देख लेते हैं। द फर्स्ट बजट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन अप्रैल 7, 1860, मतलब 7 अप्रैल 1860 को आया था। और किसने पेश किया था? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन ने फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेजेंटेड इट टू द ब्रिटिश क्राउन। वे ब्रिटिश क्राउन के अंडर पेश हुआ था बजट। और किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन, जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे। और इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट कब आया था? वो 26 नवंबर 1947 को आया था। देन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर के सानमुक्कम चेट्टी थे। तो इंडिया का मतलब आज़ादी के बाद पहला बजट कौन सा था? 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। और किसने पेश किया था? उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आर के सनमुक्कम चेट्टी। और लॉन्गेस्ट बजट स्पीच किसने दिया था? तो ये सीतारमन होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट स्पीच। कितने टाइम का था वो? 2 घंटे 42 मिनट तक। वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट, जब 2020 सेशन मतलब 2020-21 का बजट पेश करे थे 1 फरवरी 2020 को, तो लॉन्गेस्ट बजट स्पीच था। कितने टाइम ड्यूरेशन कितना था? 2 घंटे 42 मिनट्स का। मोस्ट वर्ड्स इन बजट स्पीच, तो 18,650 वर्ड्स का रिकॉर्ड है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, मनमोहन सिंह, डिलीवर किए थे। और किसके टाइम में? 1991 में। किसके गवर्नमेंट के अंडर में? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंडर में उन्होंने ये 18,650 वर्ड्स का मतलब मोस्ट वर्ड्स इन बजट स्पीच का। और दूसरे नंबर पे आता है 2018 में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, तो उनका था कितना? 18,604 का। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्ड काउंट है किसका? फाइनेंस मिनिस्टर जब थे अरुण जेटली का। और पहले नंबर पे किसका है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में, तो 18,650 वर्ड्स का। तो ये पहले नंबर पे है। शॉर्टेस्ट बजट स्पीच, सबसे कम शब्दों वाला बजट स्पीच किसने दिया था? फाइनेंस मिनिस्टर थे हीरू भाई मुलजी भाई पटेल, डिलीवर्ड 1977 में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट बजट स्पीच माना जाता है इंडिया के इतिहास में तब का। मोस्ट नंबर ऑफ बजट, सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया था? तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जो ये फाइनेंस मिनिस्टर जब थे, तो ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इनके नाम है, 10 बजट पेश किए थे अपने कार्यकाल में जब ये एज ए फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद आता है नंबर पी चिदम्बरम का, ये 9 बार किए हैं। फिर प्रणब मुखर्जी जी का नाम आता है, ये 8 बार। फिर यशवंत सिन्हा जी का नाम आता है, ये 8 बार। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री भी थे 10 साल तक, 2004 से 2014 तक, और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो ये 6 बार बजट पेश किए हैं। टाइम ऑफ यूनियन बजट, टाइम क्या होता था पहले जब यूनियन बजट पेश होता था? अंटिल 1999 तक, मतलब 1999 तक का टाइम क्या था? वो अंग्रेजों के टाइम से ही चला आ रहा था, जो 5 बजे शाम को होता था। शाम को 5 बजे से लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी के लास्ट दिन पे बजट पेश होता था, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में यही प्रैक्टिस चली आ रही थी। तब 1999 उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा जी, तो 1999 से स्टार्ट किया था बजट पेश करना। और टाइमिंग क्या रखा था? सुबह 11 बजे रखा था कि 11 बजे से बजट पेश होगा। फिर उसके बाद 2017 में अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो यूनियन बजट जब एंड ऑफ द मतलब वर्किंग डे ऑफ फरवरी होता था पहले, तो स्टार्टिंग डे ऑफ फरवरी कर दिया था, मतलब 1 फरवरी 2007 को फिर बजट शुरू हो गया। जो कॉलोनियल एरा ट्रेडिशन था उसको बंद कर दिया गया। कब? 1 फरवरी 2017 को। 1 फरवरी 2017 को बजट कब से पेश होने लगा? 11 बजे सुबह पेश होता था। और क्या हो गया कि एंड ऑफ द फरवरी से पहले अब हो जाता फर्स्ट डेट को, या मतलब 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया। तब से बजट क्या होता है? जो 1 फरवरी 2017 से, 1 फरवरी 2017 मतलब फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को बजट पेश होगा। टाइमिंग क्या रहेगी? 11 बजे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज का आ गया। 1955 से यूनियन बजट वाज प्रेजेंटेड इन इंग्लिश। 1955 तक क्या होता था कि यूनियन बजट जब जो बजट पेश होता था वो इंग्लिश में होता था, लेकिन कांग्रेस लेड गवर्नमेंट मतलब उस टाइम जब
कांग्रेस ही गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि बजट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट करेंगे। उसके बाद पेपरलेस कब हुआ? इस बार का जो बजट पेश होगा, मतलब 2022 वाला जो बजट पेश हो रहा है कल 1 फरवरी को, वो पेपरलेस होगा, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब पेपरलेस रहेगा, डिजिटल रहेगा। तो ये बजट एक ऐप लॉन्च हुआ है, उस ऐप के थ्रू सब लोग देख सकते हैं, तो पब्लिक भी देख सकती है और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स भी देख सकते हैं। और फर्स्ट वुमेन कौन थी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी? वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद सीतारमन जी थी, मतलब दूसरे नंबर पर सीतारमन और पहले नंबर पर इंदिरा गांधी थी। और रेलवे बजट को भी मर्ज कर दिया। पहले अंटिल मतलब 2017 तक क्या होता था कि रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग अलग आते थे, लेकिन 2017 में क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया। अब जब भारत का मतलब यूनियन बजट है, उसी में रेलवे बजट का भी प्रावधान कर दिया गया है। आइकॉनिक बजट कौन सा था? वैसे कई आइकॉनिक बजट थे, लेकिन जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जब फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उनका बजट था वो आइकॉनिक बजट नाम से भी जाना था, क्योंकि लैंडमार्क 1991 बजट अंडर द पीवी नरसिम्हा राव, उस टाइम के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके गवर्नमेंट में जो लाइसेंस राज चला रहा था उसको खत्म कर दिया और नया एरा स्टार्ट हुआ। क्या नाम था उसका? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इपोचल बजट, तो इसे इपोचल बजट भी कहते हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में बजट पेश किया था। तो ये था हमारा यूनियन बजट के हिस्ट्री एंड फैक्ट्स अबाउट यूनियन बजट्स के बारे में था। तो ये जो केंद्रीय बजट है उसके हिस्ट्री और फैक्ट्स के बारे में हमने आज बात किया। सो प्लीज सब्सक्राइब सुकुपीडिया, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूले, से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।